फतेहपुर शेखावाटी के रोल सारसर गांव में है और 21 दिसंबर को एक अघोषित मेला होता है यहां पर एक सद्भाव का और मेला मरहूम विधायक बौरू खां के चाहने वालों का। इस खास मौके पर हमसे मुलाकात करने के लिए बौरू खां साहब के अनुज उनके वारिस क्षेत्रीय विधायक हाकम अली खान साहब है। खान साहब सुबह से आप लगे हुए हैं, नंबर नहीं आ रहा है और हर बार संसाधन बढ़ाकर लाते हैं, जो बलेट टीमें हैं वो फिर कम पड़ जाते हैं। किस रूप में आप इस इवेंट को देखते हैं? मैं सबसे पहले तो स्वर्गीय श्री श्री राम जी ओलार मरहूम बौरू खां को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, खराज अकीदत पेश करता हूं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके शरीर दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनकी आत्माएं लोगों के साथ रहती हैं, उनकी आत्माएं लोगों के दिलों में बसी रहती हैं। ऐसी दो शख्सियत थी स्वर्गीय श्री श्री राम जी ओलार मरहूम बौरू खां जी कि ऊपर वाले ने उनकी जोड़ी बनाई थी कि जब गए तो दोनों एक साथ में गए थे। 15 दिसंबर को स्वर्गीय श्री श्री राम जी ओला की पुण्यतिथि आती है और 21 दिसंबर को मरहूम बौरू खां की पुण्यतिथि और जयंती आती है। तो लोग इन दोनों दिनों में 15 दिसंबर को अभी 6 दिन पहले अड़ावता में हजारों लोगों ने पहुंचकर वहां स्वर्गीय श्री राम जी ओला को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और आज यहाँ 21 दिसंबर को मरहूम बौरू खां को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं और रक्तवीर हैं तो रक्त दान दाता है वो रक्त दान कर रहे हैं। तो रक्त दान करने वाले युवाओं में इतना जोश है कि एक से बढ़कर एक के राज्य से आपने कहा कि हम हर बार बैंक बढ़ाते हैं, बैंक वालों को पहले बोलते हैं कि आप अपना संसाधन ज्यादा लेना, लास्ट में शाम होते होते बैंक वाले कहते हैं हमारे बैग खत्म हो गए, अब हम नहीं ले सकते, हमारा स्टॉक खत्म हो गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उन दोनों आत्माओं को, उन दोनों शख्सियतों को लोग याद करने के लिए हर साल यहाँ पहुँचते हैं और हमारा दायित्व तो बनता है, जो हमारा जो फर्ज बनता है कि हम उनको किस तरह दुनिया के बीच जिंदा रखें, लोगों के यादों में बसा के रखें, इसके लिए हम उनको हर साल पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा रखते हैं, खराज अकीदत पेश और दुआए मगफिरत के लिए 21 दिसंबर को यहाँ रोड साफ सर में रखते हैं, लोग आते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोगों को कि लोग साल दर साल ज्यादा बढ़कर आ रहे हैं, रक्तवीर हैं वो ज्यादा बढ़कर आ रहे हैं, इसलिए मैं तो यही कह सकता हूं कि लोगों के दिलों में उनके लिए जगह बसी हुई है और वो लोगों के दिलों में बसे हुए थे जो लोग आते हैं। बौरू खां साहब लोगों के दिलों में जिंदा है और आज सब लोग उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं रक्तदान करके और अपने अनेक तरह के सांप्रदायिक सद्भाव के काम करके। रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर के अलावा सर आज और कोई इवेंट रहा इस खास अवसर पर बिरजेंद्र जी ओला साहब आए थे तो? नहीं, और कोई इवेंट नहीं है, बस सिर्फ श्रद्धांजलि सभा, दुआएं मगफिरत और ये रक्तदान का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें बिरजेंद्र जी ओला शामिल हुए थे। स्कूल में जो था वो तो हमारे स्कूल में जो महात्मा गांधी स्कूल है उसमें 11 कमरे अन्य अन्य मदों से बनाए हुए थे, राज्यसभा सांसद से और रमसा से कोई कई मदों से हमारे बनाए हुए थे। तो स्कूल स्टाफ का और गांव वालों का कई दिनों से था कि उन कमरों का लोकार्पण किया जाए, तो आज हमने उनका लोकार्पण भी रख लिया। तो बिरजेंद्र जी ओला के कर कमलों द्वारा आज उन कमरों का लोकार्पण, 11 कमरों का लोकार्पण किया गया है, तो एक वो कार्यक्रम था। बाकी श्रद्धांजलि सभा का, दुआ मकफीत का और रक्तदान का कार्यक्रम था। विधानसभा चुनाव 2023 में जो बड़ी लीड, बड़ी जीत कांग्रेस की फतेहपुर शेखावाटी में निकल कर आई, उसको आप किस रूप में देखते हैं? फतेहपुर की जनता का प्यार और आशीर्वाद, फतेहपुर की जनता ने अपार प्यार दिया, अपार आशीर्वाद दिया। मैंने पिछले 5 सालों में जो काम किया, मैं यही कहता था कि स्वर्गीय श्री श्री राम जी ओला और बौरू खां के जो छोड़े हुए काम है, अधूरे सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं आया हूँ और आप लोगों ने मुझे 2018 में इसके लिए आशीर्वाद दे करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा, तो मैं मेरा दायित्व निभा रहा हूँ कि लोगों के जो उनके छोड़े हुए काम उनको पूरा करूँ। और मैंने उनको कोशिश की कि उनके जो छोड़े हुए दोनों शख्सियतों के काम थे वो पूरे किए और उसका ही आशीर्वाद 2023 में फतेहपुर की जनता ने मुझे फिर बहुत अच्छी संख्या में देकर के आशीर्वाद और राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि उन दोनों आत्माओं की आशीर्वाद और फतेहपुर की जनता का आशीर्वाद जो है वो मेरे साथ रहा और मैं फिर दोबारा राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा। फतेहपुर के विकास की भावी क्या कार्य योजना है, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी इन आने वाले 5 सालों में? देखो, पिछले 5 साल हम सरकार में थे तो सरकार की तरह हम काम किया और जो काम फतेहपुर की जनता ने मुझसे मांगा कि फतेहपुर में ये होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, जो जो योजनाएं फतेहपुर की
जनता ने मुझसे मांग की, मैंने राजस्थान की विधानसभा में रखी, मुख्यमंत्री के सामने रखी और हमारी योजनाएं पूरी हुई। बस इतना सा ही है कि पहले हम सरकार की भूमिका में थे, हम विपक्ष की भूमिका में, अब हम ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम अच्छी संख्या में, विपक्ष भी मजबूत है अब की बार की, हम गुणेतर साथी पार्टी से जीत के हैं, अन्य निर्दलीय साथी भी हमारे साथ हैं, तो हम विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से निभा करके और सरकार को मनमर्जी नहीं करने देंगे, फतेहपुर का हक नहीं मारने देंगे। मैं फतेहपुर की जनता को ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जहाँ फतेहपुर के विकास की बात आएगी, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे मंत्रिमंडल की मीटिंग हो, चाहे मुख्यमंत्री की मीटिंग हो, चाहे अधिकारियों की मीटिंग हो, वहाँ फतेहपुर की आवाज दबंगई से उठाई जाएगी और फतेहपुर के विकास को लेके आऊंगा मैं। कैसे नया चेहरा सीएम की सीट पर आया है, अनुभव में देखें तो आपसे भी, वो जूनियर है, आप सेकंड टाइम के, वो फर्स्ट टाइम के, कितनी उम्मीदें नई सरकार से फतेहपुर शेखावाटी की जनता को, विधायक आकम अली खान साहब? नहीं, मैं तो यही कह सकता हूँ, हम तो विपक्ष में, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए फतेहपुर की जनता का जो उम्मीद और जो आकांक्षा मुझसे पाली है, जो मेरे को उम्मीद पर वोट दिया, उस उम्मीद पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा।